अरे 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 ये देखो, मैंने बैक मिरर में देखा था आते हुए। चार ये यूज करूंगा। ठीक है, मैं पूरे छह करूंगा। थोड़ी सी चीटिंग तो बनती है। ये लो भाई आ गया, ये लो चार गियर में तो पीछे कर दिया। पापा को R7 को बुला के लाए। R3? अबे हाँ, अब इसके जरा पापा को बुलाते, पापा नहीं बड़ा भाई। इसके बड़े भाई को बुलाते हैं R3 को। बड़ा क्या कहते हो जनता, कमेंट्स करके भर दो R3। तो अप्रोक्सीमेटली 100 कमेंट्स तो कर ही सकते यार R3 के ये लोग। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होगे। सो वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कंटेंट आ चुका है आप लोग के सामने, जिसका मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई RS 400 को R15 से कंपेयर करो। हालांकि इसका इग्निशन ऑफ कर देते हैं, कहीं बैटरी डाउन हो गई तो। अभी फिलहाल हमारे सामने खड़ी है एक RS 400, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जिसमें डोमिनार का इंजन लगा हुआ है। BS3 इंजन है, यहाँ पे देख सकते हो एकदम परफेक्टली फिट हो रखा है इसमें। बस इसमें नीचे फेयरिंग नहीं लगी हुई है, क्योंकि भाई नीचे की फेयरिंग लग नहीं सकती थी, बाकी सब तो एकदम फर्स्ट क्लास है। सो बाकी यहाँ पे हम लोग अभी थोड़ा पूरा काम नहीं हुआ है। अभी इसका टैंक बनने गया हुआ है, वो कट के आएगा पूरा, मतलब शेप में आने वाला है। इस पे बस एक बैजिंग हम लोगों ने लगा दी RS 400 की। और इनका कहना है ये स्लीपर है, ऑल्दो ये है एक स्लीपर अगर देखा जाए तो, क्योंकि स्टॉक का लोगों को लगेगा जब इसमें पूरी फेयरिंग लग जाएगी ये स्टॉक है। बट जब ये पुल करेगी ना, तो नॉर्मल 300cc की सेगमेंट की भी बाइक बगल में नहीं आएगी, क्योंकि इतना अच्छा इसमें टॉर्क आ रहा है, इतना अच्छा इनिशियल है, और टॉप एंड भी साथ ही साथ बहुत अच्छा होने वाला है। बाकी इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन इसमें होना बाकी है, जैसे R15 का मुझे कुछ हेड तो अच्छा लग रहा है, तो R15 का हेड अच्छा लग रहा है, क्या कह रहे हो इसमें लगा दे उखाड़ के, तो इनका कहना है हाँ और क्या। तो और एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो स्ट्रगल हमारा कोई थंबनेल लेने के लिए नहीं है, यहाँ पे लगा के टाइमर लगा के हम लोग थंबनेल लेने वाले हैं। इसकी लाइवलरी बहुत पुरानी चली है, जब 200 बैठ के पहले थंबनेल ले लेते हैं। बाकी अगर इसके स्पीडोमीटर की बात करें तो इसमें डोमिनार का स्पीडोमीटर लगा हुआ है, बाकी ये पूरा फेयरिंग लग जाएगी यहाँ पे, पूरी कवरिंग लग के इसमें कोई गैप नहीं छोड़ेंगे। और देखते हैं इसमें और क्या कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर जनता कहेगी तो इसमें पावरट्रॉनिक भी लग जाएगा, उसमें पावरट्रॉनिक भी लगा देंगे अगर आप लोग बहुत ज्यादा कॉमेंट करोगे तो। 200 हिट करेगी, मतलब RS 200 जो होती है इसका टॉप एंड 200 लगा देंगे। बाकी इससे कंपेयर करते हैं यार, देखो ये अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, 155 सीसी होने के बाद भी अच्छा खासा टॉप एंड देती है। तो उसी के चलते R15 की और RS की बहुत पुरानी राइवलरी चलती आ रही है। दोनों फेयर्ड बाइक है, दोनों लुक बहुत अच्छी है, दोनों की मार्केट बहुत अच्छी है, दोनों का फैन बेसिस भी उतना ही अच्छा है। चलो एक बार इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करके देख ही लेते हैं। ऑल्दो आप लोगों ने जो मतलब जो देखोगे आगे परफॉर्मेंस टेस्ट, तो उस तरफ से होगा। सो चलो इस रेस को स्टार्ट करते हैं। मेरे को लीड करने का मौका दिया गया है और मैं लीड करते हुए मजा आ रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, मतलब अरे देखते हैं कितनी पावर है। अबे अबे यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इतनी बेइज्जती हो गई। फिर से मौका देते हैं एक बार, कुछ समझ ही नहीं रही है भाई आर बाइक को। भाई साहब ये क्या है भाई, उड़ती जा रही है, कुछ तो समझ लो यार आर बाइक है भाई। स्लो डाउन कर दिया अगले ने भाई, फिर से पूरा मौका दिया जा रहा है मेरे को, तो हद है यार। R15 को उसकी टॉप स्पीड पर जाने देते हैं। अच्छा मुझे नहीं लगा था कि इतना एक तरफा कॉम्पिटिशन होगा, अब देखते हैं। चलो चलो कोई बात नहीं, हम अपनी टॉप स्पीड अचीव करते हैं, देखते हैं आप आते हैं कि नहीं पीछे से। आज विंडलास भी थोड़ा कम है, तो इस वजह से थोड़ा इजी हो जाएगा टॉप स्पीड अचीव करना। चलो भाई घुस गया हूँ मैं तो बाइक के अंदर, विंडलास ताकि कम आए, एकदम अंदर स्टिकोरी कोहली गिरफ्तार, खत्म कर दिया। जो लाइवलरी चल रही थी वो तो खत्म पे है। मैं तो चल रहा हूँ 140 पे, क्लॉक
क्लोज टू 140 मतलब 139.38, और अंदर घुस जाते हैं बाइक के, देखे कहीं घुस पाए तो। थोड़ा सा भी पुल आएगा क्योंकि डाउन हिल है, थोड़ी आगे तो पुल तो देना चाहिए। भाई साहब एकदम गोली की रफ्तार से गायब हुए हैं। भाई खतरनाक भाई। चलो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा आना चाहिए और 140। भाई फिर ये गोली की तरह से आएंगे पीछे से। 141। एक्चुअली ये वाली जो रोड है ये पूरी खाली ही रहती है, यहाँ सुबह सुबह ट्रैफिक आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। फिर निकली R15। देखते हैं। अभी देखना किस स्पीड से आएगी पीछे से बाइक। आजा आजा आजा, बस आने वाली होगी, ज्यादा देर नहीं है। आ गई। अरे 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 ये देखो, मैंने बैक मिरर में देखा था आते हुए। क्या भाई खत्म, डिस्टेंस तो खत्म ही नहीं हो रहा, भाग ही रही है अभी वो, अपनी टॉप स्पीड अचीव नहीं करी है उसने। भाई साहब खत्म कर दिया भाई R15 को एकदम खत्म। लेकिन हालांकि उसमें 400cc का इंजन है तो यार पावर टू वेट रेशियो भी बहुत कम है उसमें, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगी देगी। देख रहे हो क्या गोली की रफ्तार से अभी भी भाग रही है। बात है, हालांकि वो अब 400cc हो गए तो यहीं से आप लोग समझ सकते हो, अगर हम लोग कैटेगरी की बात करें 200 कैटेगरी की सीसी की, मगर क्या बोल रहा हूँ मैं, पागल हो गया क्या, 200cc की कैटेगरी की बात करें तो भाई मतलब आराम से बीट कर रही है यार वो, बहुत आराम से। सबसे बड़ी भाई दिक्कत यही है कि वो अब 400cc हो गई है, पहले राइवलरी चलती थी 155cc और 200cc के बीच में, बट वो अब 400 हो गई है और उसका मतलब कोई मैच ही नहीं है यार, गोली बन गई है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे ड्यू के RC से मैं रेस कर रहा हूँ, क्योंकि वो इस तरीके से बीट करती है R15 को, जिसका टॉप एंड 155cc होने के बाद भी इतना अच्छा है। अब समझ लो 140 मैंने टच कर दिया, जब 140 पे था वो बगल से किस स्पीड में निकली है भाई, तो इसी से आप समझ सकते हो क्या तो फास्ट बन गई है। लुक वाइज देख सकते हो, ये देखो भाई खतरनाक भाई, भगा तो रहा था। हाँ लग तो कुछ ऐसा ही रहा था, एक रॉकेट आ रहा है पीछे से, मैं मिरर में देखा ऐसा लग रहा है बस जैसे मेरी गाड़ी 200cc के इंजन के साथ भी यही करती थी इसके साथ। इसको हराने के लिए 400 की जरूरत नहीं, अब इनका कहना है इसको हराने के लिए उनको 400 की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी तो 400 हो गई है। टिंग 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 तारा RS 400 भागे यारा, कल वाला गाना फिर से आज मैं गाते हुए। आप थोड़ा सा यहाँ पर रुक के क्या, दो गियर नहीं लगाऊंगा, चार गियर में रहोगे, इतनी बेइज्जती जलील करना कहेंगे भाई, मैं थोड़ी जलील हो रहा हूँ, मैं तो अच्छा राइडर हूँ। थंबनेल भी ले लेते हैं यहाँ पे, चलो थंबनेल ले लेते हैं पहले। सो अभी आपने एक परफॉर्मेंस टेस्ट देखी, और इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको हम लोग चार ही गियर लगाएंगे, उसके बाद इसमें हम लोग सारे 6 के 6 गियर लगा के देखते हैं कि क्या वो चार गियर उसके काफी हैं इसको हराने के लिए। और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट कंपैरिजन किससे हम लोग को शूट करना चाहिए, थंबनेल वहां हो रहा है, तो इस बार चार ही गियर लगाओगे ना इसके। चलो फिर कंपेयर करके देखते हैं उसके चार गियर इसके 6 गियर कौन सी ज्यादा फास्ट होने वाली है। इनिशियल तो हालांकि उसका अच्छा होगा, लेकिन टॉप एंड में ये भागती है, मजाक नहीं है R15 मजाक नहीं है। तो चलो अभी एक और कंपैरिजन शूट करते हैं, तो चलो देखते हैं भाई चार गियर में क्या आता है।
देर तक तो साथ में था मैं, लेकिन उसके बाद भाई देख सकते हो क्या परफॉर्मेंस आई है उसमें एकदम से। खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय। अरे बाप रे, वो तो आ ही नहीं रही है भाई। खत्म, पूछ भी नहीं रही, पानी भी नहीं मांग रही है, बल्कि मैं इतनी अच्छी शिफ्टिंग कर रहा हूँ उसके बाद भी पानी भी नहीं पूछ रही। करिए पानी भी नहीं पूछूंगी। इधर से विंडास भी बहुत कम है, तो मेरे को लगता है इस बार थोड़ा सा टक्कर देने वाले हैं हम लोग। अरे भाई, इधर से विंड ब्लास्ट कम है भाई। अरे बाप रे, देख सकते हो भाई बहुत तेजी में टॉप स्पीड अचीव कर रही है। विंड ब्लास्ट जब फेवर में होता है ना, तो R15 थोड़ी सी ज्यादा फास्ट हो जाती है। अब एक बार फिर से करते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा सा टर्न था तो स्लो कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, मैं पूरे 6 करूंगा। चलो तुम निकल जाओ। तो फिर से मेरे को लीड मिली है थोड़ी सी। शिफ्टिंग, फर्स्ट गियर है अभी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चार गियर में तो हार जाएंगे यार हम लोग। अरे भाई, वो उनको तो लीन होने की भी जरूरत नहीं, वो ऐसे ही आगे जा रहे हैं भाई। भाई भाई, खतरनाक सीन, एकदम खतरनाक सीन। उनके चार गियर लगेंगे और मेरे सारे। तो फिलहाल तो मैं पहुंच रहा हूं बगल में और मैं ऑलमोस्ट ओवरटेक करने वाला हूं। अब थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी चीटिंग तो बनती है। ये लो भाई, आ गया, ये लो, चार गियर में तो पीछे कर दिया। आओ, 5 लगा लिए, 5वां लगाओ, 5वां लगाओ, आ जाओ। 5वां लगाने को मैंने बोल दिया है। क्या आ पाएगी आरएस? आ तो गई। अरे क्या आ पाएगी? नहीं, वो देखो 5वें गियर में तो ऐसा स्मोक किया है जैसे, मतलब बिल्कुल मजाक है आरएस के लिए 5वें गियर में इसको स्मोक करना। खत्म, R15 इज डेड। 6 लगा दिए मैंने, सारे गियर लग चुके हैं भाई साहब। ये क्या हो रहा है? अरे अरे, अब तो भगाए जा रहे हैं। और हम लोग भी देखते हैं कितना जा पाते हैं। भाई विंडास जब फेवर में होता है तो देख सकते हो क्या तो हिट करते टॉप स्पीड R15। अभी फिलहाल 148 तक तो हम हिट कर लेंगे। ना भाई, 148 तो नहीं हिट कर पाएंगे। तो अब स्लो डाउन कर लेते हैं, क्योंकि भाई कोई मतलब नहीं बनता है। जो हम बहुत बुरी तरीके से लथाड़े जा चुके हैं। कोई बात नहीं, होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो आगे चलते हैं। उनको इतना मजा आ रहा है वो बाइक भगाने में कि वो रुकने को ही नहीं तैयार है। उनको बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इवन मैं उस बाइक पे होता तो मैं भी बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ उसको। सो यहाँ पे आप लोगों ने अभी देखा कंपैरिजन RS 400 का R15 से। सो अब नेक्स्ट किससे कंपैरिजन चाहिए कमेंट्स करके बताओ भाई। वो आपको कल वो वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं कि आपको किससे वीडियो देखनी है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जाके कर लो, क्योंकि उस पर एक से एक आपको रील्स इसके ऊपर मिलने वाली है। मेरे आइडिया है बहुत अच्छा सा इसके रील का। पापा को R7 को बुला के लाए, R3। अबे हाँ, अब इसके जरा पापा को बुलाते, पापा नहीं, बड़ा भाई। इसके बड़े भाई को बुलाते हैं, R3 को। बताओ क्या कहते हो जनता, कमेंट्स करके भर दो R3। तो अप्रोक्सीमेटली 100 कमेंट्स तो कर ही सकते हैं यार R3 के लोग।
R3 के 100 कमेंट्स तो कर दो मिनिमम, जैसे ही 100 कमेंट्स होंगे अगले दिन आपको वीडियो R3 के साथ देखने को मिलेगी, और इससे तो आपको कंपैरिजन और देखने को मिलने ही वाले हैं। तो इस वीडियो को अब एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, राइड हार्ड, बाय।